आइए जाने कुछ नया का ये प्रथम अध्याय है और मैं कामना करती हूँ कि आप सब परिवार ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे। प्रथम अध्याय की हम शुरुआत करेंगे दीपक प्रज्वलित करके और ये जानेंगे कि दीपक घी और जो तेल का है उसकी स्थापना किस तरह करें, उसमें समर्पण किस तरह से करें और किन बातों का हम ध्यान रखें। ये मैंने पहले से जो है दीपक बना के रखा है, सवा हाथ की इसकी में बाती है जिसे हम अखंड बाती कहते हैं, जो इस समय नवरात्रों में भी आने वालों में हम स्थापित करेंगे। तो ये मैंने पहले से तैयार करके रखा है, इसे हम प्रज्वलित कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तिल का तेल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और ना मिलाएं, यानी शुद्ध तेल लें तो शुद्ध तेल ही लें। बहुत बार लोग उसके अंदर इत्र मिला देते हैं, वो आप मिलाना जिसे कहते हैं ध्यान रखिएगा कि ना मिलाएं। तो जब भी आप उसमें दीपक में तेल समर्पित करें, आपके मन में अग्निदेव के लिए जो है नमन होना चाहिए और साथ ही आप अपने हाथ को दूसरे हाथ से सहारा दे के रखें और आपकी चारों उंगलियां जो हैं आपके कलाई को उस समय सहारा दे रही हूँ। समर्पित करते समय आप ईश्वर का ध्यान करें जिनके लिए आप पूजा स्थापना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको घी और तेल के दीपक के महत्व के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी। एक बार जब आप दीपक समर्पित कर दें, यानी उसमें बाती और माध्यम आ जाए, आप एक बात का ध्यान रखें कि उसे फिर आप उंगली से ना छुएं, क्योंकि यदि हमारे अंदर दोष हैं जिसे तामस रज कहा जाता है, वो अगर हम उंगली से छुएंगे तो दीपक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और जो हमें दीपक में जो जिससे जो शक्ति या ऊर्जा मिलती है उतनी हमें फिर नहीं मिल पाती है। दीपक की लौ प्रज्वलित करने के पश्चात आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि दीपक जो है अपनी ज्योत और गति को लेने में थोड़े क्षण लगाता है। आप जैसे ही इसमें लौ लगाएं, तत्पश्चात आप दीपक को दोनों हाथों से थोड़ा सा ढक लें ताकि आपकी हथेलियों की गर्मी से जो है बाती है उसको एक तरीके का संबल मिलता है। और अगर आपको लगे कि बाती छोटी है तो आप किसी छोटी लकड़ी या चांदी की लकड़ी या तांबे का जो है माफ़ कीजिएगा डंडी बना के घर पे रखें और उससे उसको थोड़ा खिसका लें। इस तरह आप थोड़ी देर तक दीपक को दोनों तरफ से हाथों से ढक के रखें ताकि जो वायु है उसको ज़्यादा जो है प्रभावित ना कर पाए। और शीघ्र ही आप देखेंगे कि जो आपकी दीपक की ज्योत है वो समानांतर रूप से जलने लगी है और आकाश की तरफ उसकी गति हो जाती है। तो जब तक ये ज्योत जो है अपना पूर्ण रूप ले, तब तक चलिए हम देखते हैं कि दीपक किस तरह तैयार किया जाना है। पूर्ण रूप से लेने का मेरा तात्पर्य है कि वो हिले ढिले नहीं जब तक उस पर हवा ना लगे और समान रूप से निरंतर गति से वो प्रज्वलित रहे। तेल और घी का जो दीपक है उसकी जो लौ निकलती है उसमें निश्चित रूप से वाइब्रेशन होते हैं, यानी तरंगे होती हैं, और वो तरंगे अणु को जाके छूती हैं। तो जो तेल का दीपक है उसकी जो दूरी है ऊर्जा भेजने की और तरंगे भेजने की, वो 1 मीटर या सवा हाथ मानी जाती है। और घी का जो दीपक है उसकी ऊर्जा स्वर्ग तक मानी जाती है। तो वीडियो में इस बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर चलिए पहले देख लेते हैं किस तरह तैयारी करें। आप कोई भी धातु का बर्तन लीजिए और उसके नीचे आपको चौकी अवश्य रखनी चाहिए। उसमें आप जो है चावल हैं वो समर्पित करें ईश्वर का नाम लेके। चावल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं और धन का प्रतीक होते हैं। उसके ऊपर आप दीपक की स्थापना करें। आप इस समय जो है पूर्ण रूप से ईश्वर की तरफ ध्यान रखें और साथ ही आप चाहें तो मंत्रों को अपने मोबाइल में या म्यूज़िक सिस्टम में चला सकते हैं। अब तक इसके पश्चात आप सवा हाथ की सफ़ेद रंग की मूली ले सकते हैं या आप बाती बना सकते हैं, जो मैं आगे आपसे बताना जो है साझा करूँगी। और इस तरह की जो मूली है इससे बनी हुई बाती आप अवॉइड कीजिएगा। आप सात्विक रंग की बाती ही बनाएं, यानी एक रंग की बाती ही लें। इसको थोड़ा सा हाथ पे बल दे दें
ताकि इसके अंदर 5, 6 या 7 जो हैं धागे होते हैं, तो अच्छे से वो एक दूसरे में लिपट जाएं। और इस तरह हल्की तागतें लगानी है आपको, और ज़्यादा तागत नहीं लगानी है। और जब आप इसको लपेट रहे होते, यानी बल दे रहे हों, तो फिर प्रयास करें कि ये दीपक के अंदर ही ये जो लपेटी हुई बाती है ये जा रही हो। वैसे तो श्रद्धा के सामने जो है नियम कायदे कानून ईश्वर को मायने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम अनभिज्ञ रह के उन कायदों को छोड़ते हैं तो सही भी नहीं है। तो बस इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बातें को हम बहुत ही मान तरीके से, यानी जिस तरह से हमारे पृथ्वी का रोटेशन है, यानी जिस तरफ घड़ी घूमती है उस तरफ से इस तरह गोल घुमाते हुए रखें, तो ये देखने में ना सिर्फ सुंदर लगती है बल्कि सात्विक भी हो जाती है। यानी आप इकट्ठा करके और इसी तरह बातें को दीपक में ना रखें, इस तरह से सजा के रखें, तो इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर आपको किसी वजह से दीपक में इसको रख के पहली बार में घुमाने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह हथेलियों उंगलियों की सहायता लेते हुए भी इस तरह से घुमा के और फिर दीपक के अंदर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके मन में खुद ही बहुत ही शक्ति और संयम और आपको शांति का आभास प्रारंभ हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इस तरह से जो लास्ट में आपका छोर बच जाता है, रख दीजिए। इसके ऊपर आप अक्षत ज़रूर थोड़े से समर्पित कीजिएगा, ये शुभ माने जाते हैं। और साथ ही इनसे जो बातें हैं उसको एक सपोर्ट मिलता रहता है। और अब बात करते हैं कि घी कौन सा हमें काम में लेना चाहिए। अग्निशास्त्र के अनुसार हमें घी जो है गाय का लेना चाहिए। और अग्नि पुराण ये कहते हैं कि जो गाय का घी है उसमें सात्विकता का गुण बहुत ज़्यादा है अन्य किसी और घी की तुलना में। गाय के घी के अंदर इस तरह के ऊर्जा के तत्व पाए जाते हैं जो आप जिस जगह पे बैठ के उसकी पूजा हवन कर रहे हैं ना, उस वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि दीप जब बुझ जाता है तो उसके 4 घंटे बाद तक भी वहाँ पे उसका असर रहता है। साथ ही जो घी का दीपक है, जितने समय वो प्रज्वलित रहता है उतने समय तक वो स्वर्ग तक आपकी जो आभा मंडल है उसको दीपायमान करके रखता है। तेल का जो दीपक है उसकी जो आभा है वो 1 मीटर तक ही रहती है। और आप जो गाय का घी जब दीपक पे समर्पित करें, दीपक में माफ कीजिए समर्पित करें, तो फिर से आप किसी सलाखा का ही इस्तेमाल करें और उसे थोड़ी देर के लिए अवशोषित होने के लिए बाती को घी के अंदर छोड़ दीजिएगा। यदि आपको दीपक पूजा के पश्चात विसर्जित करना है तो मिट्टी के दीपक लें, जिसे आप किसी मजबूत गत्ते पे या किसी मजबूत लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चिपका दें और उसके साथ ही उसका आसानी से विसर्जन भी आप कर पाएंगे। यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं, तत्पश्चात उसको हटाना नहीं चाहते और फिर मंदिर में सदैव उसको रखना चाहते हैं, तो बड़े नाप का आप दीपक लें। ये 630 नंबर का है और इसमें इस तरह से अलग अलग दुकानों पे अलग अलग नंबर के होते हैं, ये नीचे से खुल जाता है। आजकल इसमें स्वास्तिक कटा हुआ मिलता है और ओम लिखा हुआ रहता है। आप प्रयास करके पीतल का दीपक लें, जिसे ज़्यादा जो है शुद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है। और साथ में इसमें आप लेते समय ज़रूर देख लें कि एक बार में कितना तेल या घी आ जाएगा। ये जो मैंने दीपक लिया है इसमें 0.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा घी या तेल एक बार में आ जाता है। और अब चलिए देखते हैं कि बाती कैसे हाथ से बनाएं। ये मैं सवा हाथ की बाती बना रही हूँ और इसको बनाने का बेहद ही आसान तरीका है। एक बार जब आप बनाना सीख जाएंगे तो उसके पश्चात आपके हाथ बैठ जाएंगे। इस तरह पतला सा आप जो है रुई का वो जो है टुकड़ा लें और आपकी बाती के बीच में इसे इस तरह से रख के और फिर हल्के से हाथ से लपेट दीजिए। और बस इस तरह से आप जो है बाती को आगे बढ़ाते जाएं। हो सकता है बाती कहीं से मोटी पतली बने,
तो वापस एक लपेट लगा दीजिए, और अगर कहीं पे पतली बन गई है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुई का टुकड़ा रख के लपेट दीजिए। इस तरह से देखिए मैं बातें जो है बढ़ाती जाती हूँ, और ये जो तरीका है मुझे बहुत ही सुविधाजनक और आसान लगता है। बाती बनाने के पश्चात एक बार आप जो ये बाती का निकलने का मुंह है उसमें से बाती निकाल के देख लें कि वो कहीं अटक तो नहीं रही। अगर वो अटकेगी तो बाद में जब बाती ऊपर बढ़ेगी तो वहाँ से वो निकल नहीं पाएगी, और इससे आपका दीपक बुझ सकता है। इसे इस तरह से स्क्रू में दीपक में आप टाइट कर दीजिए, और तत्पश्चात जो है बाती को दीपक के चारों तरफ जो इसकी लौ है उस पर लपेट दीजिए। और अब चलिए बात करते हैं घी के दीपक और तेल के दीपक के बीच में फ़र्क क्या होता है। अगर हम तेल के दीपक की बात करें तो उसमें चैतन्य जो है वो ऊर्जा होती है। चैतन्य का तात्पर्य है कि जो आपका जो कॉन्शियसनेस है यानी जो आपकी जागरूकता है वो जागृत हो जाए। जो कुंडली जागरण के चक्र हैं उसमें जो चैतन्य चक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो तेल का दीपक है वो हमेशा लाल रंग की लौ निकालता है। तो एक बार मैं लाइट बंद कर देती हूँ और आपको साक्षात दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह तेल और घी का दीपक जो है अलग अलग रंग की लौ देता है। जो तेल का दीपक है उसकी आप अगर ओरा जिसे हम कहते हैं जिसका ऊर्जा चक्र देखेंगे वो घी के तुलना में आप देखेंगे कि कम है। घी का जो दीपक है उसके चारों तरफ जो आपको ओरा यानी जो लौ है उसके चारों तरफ आपको बड़ा जो है वो सर्किल नज़र आएगा, जबकि घी के दीपक में आप की तुलना में तेल के दीपक में वो बाहर आप जो ओरा देख रहे हैं उतना नज़र नहीं आएगा। तेल का दीपक जो है लाल रंग की ऊर्जा प्रज्वलित करता है, जबकि जो घी का दीपक है वो जो है हल्की नीली, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा प्रज्वलित करता है, साथ ही इसका ओरा जो बाहर सर्किल अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो ज़्यादा बड़ा है। और इसमें जो है तेज तत्व जो घी का दीपक है उसमें बेहद ज़्यादा होता है, जबकि तेल के दीपक में उतना नहीं होता है। जो भाव है घी के दीपक में वो ज़्यादा होता है तेल के दीपक के जो तुलना में, और जो उसके अंदर जो आपके तेल का दीपक वो माना जाता है कि आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को उन्नत करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है, और घी का दीपक आपकी आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है उसको जागृत करने के लिए और उसकी ऊर्जा तेज करने के लिए बहुत ही उत्तम है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपको कुछ जानकारी ज़रूर दे पाऊँगी। दीपक से जुड़ी हुई आप अन्य जानकारियाँ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखें, सुंदर रहें और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी आइए जाने कुछ नया में, तब तक टेक केयर, बाय।